छोटा दुकानदार हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिला हो, प्रदेश में इन सबको सक्षम हमने बनाया। आज किसी भी किसान से पूछ लो, फसल बेच के आया हो, कि उसको रात मंडी में नहीं रुकानी पड़ती, दो घंटे ढाई घंटे से पहले मंडी से फारिग हो जाता है और दो दिन के अंदर उसके खाते में उसकी फसल के पैसे आ जाते। फसल खराब हो जाए तो क्षतिपूर्ति के माध्यम से सरकार को फोटो खींच के भेज सकता है। और हमने कोशिश करी है, जो दो दो साल मुआवजा नहीं आता था उसको इस बार डेढ़ महीने में किसान के खाते पे भिजवाने का। बुजुर्गों, युवा साथियों, महिलाओं की बात हो, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गांव में, वो जो समूह बनाए, आज हजारों हमारी माताएं, लाखों होगी अब, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने खुद के लघु उद्योग गांव में शुरू कर पाए। वैसे ही पंचायतों में 50% हिस्सेदारी देकर आज माताओं बहनों का सम्मान जहां बढ़ा है, वही हिस्सेदारी के साथ जिम्मेवारी भी बढ़ी है कि ग्राम विकास के, पंचायती राज के कामों के अंदर वो अपना नेतृत्व भी ज्यादा से ज्यादा दे। आज राशन डिपो की बात करें तो प्रदेश के अंदर आज 33% राशन डिपो हमने महिलाओं के लिए रिजर्व करने का काम किया है। वही जो पिछड़ी जातियां थी, जिनको हम अति पिछड़ी कह देते थे, उनके अंदर कभी रिजर्वेशन नहीं थी, मगर आज पंचायती राज में 8% रिजर्वेशन देकर अति पिछड़ों को भी पंचायती राज में उनकी हिस्सेदारी पूरी तौर पर देने का काम किया। तो आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने, साथियों, अनेक काम है। सड़कों का विकास देख लो, मेरे ख्याल से टोल प्लाजा से लेके यहाँ तक का, यहाँ से डंडेरी तक का, ये सड़क तो कितनी पुरानी मांग है और इसके लिए अब कितने, लगभग 4.5 करोड़ एक और 50 लाख है, 5 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर। एक तो शाम से आसी वाली रोड थी, आधों को तो आसी जाने के लिए वही सड़क लेनी पड़ती थी, वो एक ग्रीन रोड के नाम पे बनाई, उसकी दर दर की हालत करके छोड़ गया ठेकेदार। आज उसके लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किया कि थ्रू एंड थ्रू पूरी सड़क ठीक। जहाँ गांव की बात है, हमने तो गांव में जहां मांग आई ग्राम सचिवालय बनाना है, वहां ग्राम सचिवालय बनाने का काम किया। जहां मांग आई कि गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाना है, तो जिस गांव ने प्रस्ताव 1 से 3 एकड़ तक का लिख के दिया, उसको उसी तरह मंजूर कर तुरंत उसमें कम्युनिटी सेंटर बनाया कि गांव के गरीब व्यक्ति को फिर शहर के मैरिज प्लेसों में जाने की जरूरत नहीं है, गांव के अंदर भी वही व्यवस्था बनाकर देने का काम। आज जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पीने का पानी पाइपलाइन का पहुंचा रहे, और जहां जहां पहले पानी की स्टोरेज की दिक्कत थी, वहां सरकार ने तुरंत नई जमीन एक्वायर करके नए वाटर टैंक्स बनाने का काम किया। ये सोच गांव के उद्धार विकास की है, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस सोच के साथ हम आगे बढ़े। और मैं तो कहूंगा रामायण वालों, अगर कम्युनिटी सेंटर नहीं हुआ, लाइब्रेरी नहीं हुई, तो पंचायत का प्रस्ताव करके मेरे को अगले 1 हफ्ते में ला के दे दो, अप्रूव कराना मेरा काम है, और 1 महीने में अप्रूवल देके आपकी ग्रांट को सैंक्शन करके भिजवाने का काम। और जहां गांव के और कामों की बात है, संदीप मेरे से दूसरा बड़ा है, इसकी गली रहेगी, आज काम औरों का तो ये 10 कर आ गया, खुद आला रह गया, और उसके अंदर भी कोई टेक्निकलिटी के कारण रुकी हुई, पर मैंने कल ही आदेश दिए थे और उसको भी जल्द हम टेकअप कराकर HRDF से उसका फ्रेश एस्टीमेट बनाकर, क्योंकि 2 साल पुराना एस्टीमेट था, ये टेक्निकलिटी थी, जल्द से जल्द उसकी भी मंजूरी देंगे कि गांव का ये विकास भी पूर्ण तौर पर जल्द से जल्द हो जाए। मैं तो चाहूँगा कि सभी रामायणवासी इसी जोश और उत्साह के साथ संगठन को भी ताकत देने का काम, आज जैसे सारा काम इकट्ठा हुआ है और जिस जोश के साथ इकट्ठा हुआ है, इतना जोर अगर संगठन में अगले 1.5 साल दे दोगे, तो साथियों 11 महीने की मेहनत में हमने पार्टी को
10 विधायक और 16% वोट प्रदेश में लाकर देने का काम किया। और ये तो थोड़ा बहुत हमारे मन में ही रहेगी हाँसी वालों के कि इनके शायद 10 ना बने, 5 ना बने। अगर ये किसी को एहसास होता कि जेजेपी 10 जिता के लाएगी तो राहुल को विधायक नहीं बनाया होता। बताओ आसो, मगर इस बार वो न बहम सोची हो तो देवीलाल जी वाली बात है, हवा बनाओ। हवा बनाओगे तो राज आएगा। हवा कौन बनाएगा? वर्कर बनाएंगे जो काम करे हैं। जाओ गढ़गढ़ और उसको घर घर जाकर लोगों को समझाने और बताने का काम करो। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन आप मैदान में उतर के घर घर जाकर प्रचार करने लगे वो हवा ऐसी बन जाएगी। पिछली बार तो 16% वोट थे, इस बार 35 से ऊपर 40% तक वोट प्रदेश में हासिल करने का काम। मगर करना दिन रात मेहनत पड़ेगी, और दिन रात कर दोगे तभी जाकर प्रदेश का उद्धार होगा। मैं तो माफी चाहूंगा आने में देरी हुई, जैसे आपके गांव में स्वागत किया ऊंट पे वैसे पीछे ट्रैक्टर लगा रखे थे, इसलिए आगे भी गांव बहुत है। मैं तो करण सिंह जी को भी डांट रहा था, मैं दोपहर का खाना लोग 1 बजे खिलाते आपने 4 बजा दिया इस स्वागत के चक्कर में। मगर ऐसा स्वागत करते रहो, ऐसी चाय पिलाते रहो तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आज आने से पूरा कोई नहीं आपको रोक सकता। आप सब आए, आप सबका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।